हेलो, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कौन है मॉडर्न पैथोलॉजी के फादर और उनके जीवन से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। रुडोल्फ वीर्चो को फादर ऑफ मॉडर्न पैथोलॉजी कहा जाता है। एक जर्मन फिजिशियन है। इनका फुल नेम है रुडोल्फ लुडविंग कार्ल वीर्चो। इनका जन्म 13 अक्टूबर 1821 ईस्वी को स्वीडन पोलैंड में हुआ था। अक्सर ये बुक में पर्सिया लिखा मिल सकता है, क्योंकि पहले पोलैंड का नाम पर्सिया हुआ करता था, अब पोलैंड हो गया है। और इनकी मृत्यु 5 सितंबर 1902 को बर्लिन जर्मनी में हुई थी। ये फादर ऑफ मॉडर्न पैथोलॉजी के रूप में जाने जाते हैं और द फादर ऑफ सेलुलर पैथोलॉजी के रूप में भी जाने जाते हैं, द फादर ऑफ माइक्रोस्कोपिक पैथोलॉजी के रूप में भी जाने जाते हैं, द फाउंडर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन भी इन्हें कहा जाता है। इनको अवार्ड जो मिला है वो कोपले मेडल मिला हुआ है, 1892 ईस्वी में मिला था। और इनकी एक बुक पब्लिश हुई थी सेलुलर पैथोलॉजी 1858 ईस्वी में। इनकी और भी बुक्स पब्लिश हो चुकी हैं, बट पैथोलॉजी में सेलुलर पैथोलॉजी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा ये पॉलिटिशियन, सोशल वर्कर और एक अच्छे राइटर के रूप में भी जाने जाते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।